हेलो बच्चों, कैसे हो? देखो, हम पढ़ रहे थे स्कॉर्पियन के बारे में। आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है उसका जो एनिमल है वो है स्कॉर्पियन, और स्कॉर्पियन के बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो अपन ने क्या पढ़ लिया था? स्कॉर्पियन के एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ लिए थे, इसके अपेंडिजेस पढ़ ली थी, और इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पढ़ लिया था। आज का टॉपिक है अपना, आज पढ़ेंगे अपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन होता है वो आर्थ्रोपोडा फाइलम का एनिमल है, और आर्थ्रोपोडा फाइलम की जो विशेषता होती है वो इसमें सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है वो ओपन टाइप का होता है। कौन से ओपन टाइप का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन टाइप का इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ओपन टाइप का, देखो मैं बोल रही हूँ कि ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, बट ये ओपन टाइप होता क्या है? आप क्या समझते हो ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में? अब देखो, ओपन टाइप का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके अंदर क्या होता है, जो अपन एक दो प्रकार की सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, एक तो ओपन टाइप और एक है क्लोज टाइप। हायर जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उसके अंदर क्लोज टाइप का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन ये नॉन कोडेट है, इनवर्टिब्रेट एनिमल है, इसके अंदर ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। ओपन टाइप में देखो होता क्या है, ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, देखो इसमें जो हायर जो इनवर्टी क्लोज जो टाइप का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आर्टरी और वेंस दोनों मिलके क्या बना लेती है, ब्लड कैपिलरीज का निर्माण कर लेती हैं। किसका? ब्लड कैपिलरीज का फॉर्मेशन कर लेती हैं। और ओपन टाइप के जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके अंदर जो आर्टरी है और जो वेंस है वो इसमें कैपिलरीज का निर्माण या कैपिलरीज का फॉर्मेशन नहीं करती, या जो आर्टरी है वो कैपिलरीज का फॉर्मेशन करके वेंस में चेंज नहीं होती है। इसके अंदर जो ब्लड होता है वो ब्लड साइनस के अंदर प्रेजेंट होता है, और वो ब्लड साइनस के अंदर ब्लड होता है, उनका जो फ्लो होता है लेक्यूली या ब्लड साइनस के अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है, जो पूरी बॉडी के अंदर फ्लो होता है इसका, इन साइनस के थ्रू। ठीक है, ये ओपन टाइप का हो गया, इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का ये होता है, इसके अंदर जो ब्लड होता है वो साइनस या लेक्यूली के अंदर भरा होता है, वो पूरी बॉडी के अंदर फ्लो होता है उसका। ठीक है, ये ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। अब अपन स्टार्ट करेंगे स्कॉर्पियन के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखो, इसके अंदर जो स्कॉर्पियन के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कितने भागों में डिवाइड है? फर्स्ट है इसके अंदर हार्ट। देखो कितने भागों में डिवाइड है सर्कुलेटरी सिस्टम, फर्स्ट है इसके अंदर हार्ट, सेकंड है इसके अंदर पेरिकार्डियम। क्या है? पेरिकार्डियम। थर्ड है इसके अंदर आर्टरी। फोर्थ है इसके अंदर साइनस। ठीक है, फिफ्थ है इसके अंदर वेन। तो ये जो स्कॉर्पियो के अंदर जो ब्लड सर्कुलेटरी जो सिस्टम है वो पांच भागों में डिवाइड है। फर्स्ट है हार्ट, पेरिकार्डियम, आर्टरी, साइनस और वेन। अब देखो हार्ट के बारे में पढ़ते हैं अपन। हार्ट होता है वो कहाँ पाया जाता है? सबसे पहले तो हार्ट पाया कहाँ जाता है, इसकी पोजीशन कहाँ होती है इसकी बॉडी के अंदर, स्कॉर्पियो की बॉडी के अंदर? ऊपर से काइटिनियस जो टर्गा होता है, उसके नीचे जो हेपेटोपेनक्रियाज होता है उसके ऊपर लेटरली डोर्सली साइड में सरफेस पे क्या होता है, एक ग्रूव प्रेजेंट होती है, उसके अंदर ये हार्ट स्कॉर्पियो का हार्ट होता है वो प्रेजेंट होता है। ये देखो इसके अंदर हिपेटोपेनक्रियाज के डोर्सली लेटरली डोर्सली साइड में ग्रू होती है, और ऊपर से काइटनी टर्गा के नीचे जो हार्ट होता है वो हार्ट की पोजीशन हार्ट होता है वो प्रेजेंट होता है, हार्ट की पोजीशन होती है। ठीक है, इसके अंदर हार्ट होता है वो एक मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसका जो भारी एक आवरण के रूप में प्रेजेंट होता है उस आवरण को बोलते हैं पेरिकार्डियम। हार्ट के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम और हार्ट किससे जुड़े हुए होते हैं, किससे कनेक्टेड होते हैं? लिंगामेंट्स के द्वारा। हार्ट होता है वो पेरिकार्डियम से लिंगामेंट्स के द्वारा कनेक्टेड रहता है। ठीक है, लिंगामेंट्स के द्वारा कनेक्टेड रहता है। अब देखो ये जो हार्ट है,
उसके जो हैट होता है ये इसकी हैट की जो वॉल होती है अंदर की जो वॉल होती है हैट के अंदर की जो वॉल होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन की क्रिया होकर या अंतर्वलन की इसके अंदर क्रिया होती है उसमें ये जो हैट है ये 4-7 चैम्बर में डिवाइड हो जाता है। किसमें? 7 चैम्बर में डिवाइड होता है। देखो ये है इसकी जो अंदर की वॉल है इसके इनमें अंतर्वलन होता है, अंतर्वलन होने के कारण ये जो 7 चैम्बर का फॉर्मेशन कर लेती है हैट के, हैट में 7 चैम्बर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो हैट है मैं एक चैम्बर की बात कर रही हूँ, ये एक चैम्बर है हैट के डोर्सल लेटरल साइड में क्या प्रेजेंट होते हैं? ओस्टिया प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? ओस्टिया, ओस्टिया प्रेजेंट होते हैं। ये ओस्टिया प्रेजेंट होते हैं हैट के, ये ओस्टिया प्रेजेंट कहाँ होते हैं हैट के अंदर? देखो ये जो प्रत्येक सेगमेंट में, देखो 7 सेगमेंट होते हैं, प्रत्येक सेगमेंट के अंदर ये देखो एक सेगमेंट की बात कर रही हूँ मैं, ये एक सेगमेंट है, ये पेरिकार्डियम है इसका और बीच के अंदर क्या है? हैट है। ये जो हैट है बीच के अंदर, इस हैट में डोर्सल लेटरल साइड में, डोर्सल डोर्सल और लेटरल साइड में दोनों तरफ मतलब प्रत्येक सेगमेंट के अंदर ये जो हैट है, ये जो ओस्टिया है ये प्रेजेंट होते हैं। देखो ओस्टिया की पोजिशन कहाँ पर होती है? हैट के, हार्ट के डोर्सल लेटरल साइड में ओस्टिया प्रेजेंट होते हैं और ये जो प्रत्येक सेगमेंट में एक पेयर ओस्टिया प्रेजेंट होते हैं और इन ओस्टिया के अंदर, इन ओस्टिया के अंदर वॉल प्रेजेंट होता है, वॉल प्रेजेंट होता है ताकि जो पेरिकार्डियम है इस हेड के चारों तरफ क्या पाया जाता है? पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम के हेड किस में? पेरिकार्डियम कैविटी के अंदर हेड प्रेजेंट होता है, लिंगामेंट्स के द्वारा जुड़ा होता है। ये जो ओस्टिया मैंने बताया है हेड के डोर्सल और लेटरल साइड में प्रत्येक सेगमेंट के अंदर 1 पेयर ओस्टिया प्रेजेंट होता है और प्रत्येक ओस्टिया के अंदर वॉल प्रेजेंट होता है और ये वॉल क्या काम करते हैं? देखो जो पेरिकार्डियम कैविटी से जो ब्लड है, जो ब्लड है वो हेड में आता है, हेड में आता है तो ये ओस्टिया होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। इन ओस्टिया के अंदर जो वॉल प्रेजेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। ओपन होने के कारण जो पेरिकार्डियम कैविटी है या पेरिकार्डियम साइनस इसको बोल सकते हैं, तो पेरिकार्डियम साइनस के अंदर जो ब्लड है वो किसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है? हेड के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है और ये जो हेड के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, हेड के अंदर ट्रांसफ़र होने से, ट्रांसफर होने के बाद में जो ओस्टिया के अंदर जो वॉल प्रेजेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं, यानी बंद हो जाते हैं। वो इसलिए बंद ताकि क्या, जो हेड के अंदर जो ब्लड आया है, ब्लड का जो ट्रांसफ़र हुआ है पेरिकार्डियम साइनस के द्वारा, हेड के अंदर जो ब्लड का ट्रांसफ़र हुआ है वो वापस पेरिकार्डियल साइनस के अंदर ना जा सके, इसलिए ये जो ओस्टिया के अंदर जो वॉल होते हैं वो क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं। अब देखो अपन ने पढ़ लिया हेड के बारे में है ना, पेरिकार्डियम के बारे में, अब देखो अपन पढ़ेंगे आर्टरी के बारे में। इसमें कितने प्रकार की आर्टरी होती हैं? हेड से जो आर्टरी निकलेंगी पूरी बॉडी में ब्लड का सप्लाई वही करेंगी है ना, तो वो जो आर्टरी होती हैं वो पूरी बॉडी के अंदर वो कौन कौन सी, कहाँ कहाँ से आर्टरी निकलती है और बॉडी के कौन से भाग तक वो जो आर्टरी हैं वो ब्लड की सप्लाई, कौन कौन सी आर्टरी बॉडी के कौन से ऑर्गन तक ब्लड की सप्लाई करेंगे, आर्टरी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में साइनस के बारे में, उसके बाद में वेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अपन सबसे पहले पढ़ेंगे आर्टरी के बारे में। आर्टरी होती है, देखो कितने प्रकार की आर्टरी होती है इसके अंदर, ये जो हेड है, ये जो हेड है हेड के आगे की साइड में एंटीरियर साइड की तरफ एक एरोटा निकलती है, उसका नाम क्या है? एंटीरियर एरोटा। कौन, क्या निकलती है? हेड के एंटीरियर साइड में एंटीरियर एरोटा निकलती है। ये जो एंटीरियर एरोटा होती है, एंटीरियर एरोटा निकलती है, ठीक है, हेड के एंटीरियर साइड में आगे की तरफ एंटीरियर एरोटा निकलती है। अब ये जो एंटीरियर एरोटा है एलिमेंट्री केनाल के डोर्सल साइड की तरफ आगे बढ़ती है, डोर्सल सरफेस की तरफ आगे बढ़ती है, ठीक है, आगे बढ़ के कहाँ पे जाती है? वेंट्रल साइड की तरफ। ये जो एंटीरियर एरोटा है, ये आर्टरी है, इसमें फर्स्ट है एंटीरियर एरोटा, एंटीरियर एरोटा। ये जो एंटीरियर एरोटा है वो वेंट्रल साइड की ओर, वेंट्रल साइड की ओर इलोंगेटेड होती है, वेंट्रल साइड की ओर इलोंगेटेड होकर क्या क्या बना लेती है? विसरल आर्टरी। किसका फॉर्मेशन कर लेती है? विसरल आर्टरी का। फर्स्ट तो बनाती है ये विसरल आर्टरी, विसरल आर्टरी,
विसरल आर्टरी का फॉर्मेशन करती है। अब देखो ये जो नीचे की साइड वेंट्रल साइड में ये जो एंटीरियर एरोटा है वेंट्रल साइड में इलोंगेटेड होकर विसरल आर्टरी का फॉर्मेशन कर लेती है। ये जो विसरल आर्टरी है ये कहाँ पे ब्लड सप्लाई करेगी, ये देखो ये कहाँ पे ब्लड सप्लाई करेगी, ये करेगी एक तो हिपेटो पैनक्रियाज में। एक तो ब्लड सप्लाई करेगी हिपेटो पैनक्रियाज में, दूसरा एक करेगी इंटेस्टाइन के अंदर ब्लड सप्लाई, कहाँ करेगी हिपेटो पैनक्रियाज और इंटेस्टाइन के अंदर ब्लड की सप्लाई करेगी कौन, विसरल आर्टरी। ये जो एंटीरियर एरोटा है वेंट्रल साइड में एलोंगेटेड होकर विसरल आर्टरी का फॉर्मेशन करेगी। ये देखो विसरल आर्टरी का फॉर्मेशन कर लिया इसने, विसरल आर्टरी का फॉर्मेशन कर लिया। और ये जो विसरल आर्टरी है कहाँ पे बॉडी के कौन से भाग तक, हिपेटो पैनक्रियाज और इंटेस्टाइन में ब्लड की सप्लाई करेगी। ठीक है, ये तो हो गया विसरल आर्टरी। अब देखो सेकंड इसमें क्या आएगी, जो एंटीरियर एरोटा है वो सेकंड क्या करेगी, वो आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ के वो जो ईसोफेगस है ईसोफेगस को दो भागों में डिवाइड होगी, ईसोफेगस के दो भागों में डिवाइड होकर ईसोफेगस को चारों तरफ से सर्किल बनाएगी, ईसोफेगस के चारों तरफ से सर्किल का फॉर्मेशन करेगी। ईसोफेगस के चारों तरफ किसका फॉर्मेशन करेगी, सर्किल का फॉर्मेशन करेगी, सर्किल का फॉर्मेशन करेगी। और नीचे से ये दोनों आर्टरी कनेक्टेड हो जाएंगी, और क्या नीचे से ईसोफेगस के चारों तरफ सर्किल का फॉर्मेशन करके नीचे से ये आर्टरी कनेक्टेड हो जाएंगी। कनेक्टेड होकर किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, सुप्रा न्यूरल आर्टरी का फॉर्मेशन करेंगी। किसका फॉर्मेशन करेंगे, सुप्रा न्यूरल आर्टरी का फॉर्मेशन करेगी। अब देखो ये जो सुप्रा न्यूरल आर्टरी है ये टैल भाग तक पॉइजन या टेल्सन वाले भाग तक जाएगी और इस पूरे भाग में ब्लड की सप्लाई करेगी। और देखो ये जो है सेकंड इसमें आ गया, ये क्या है सुप्रा न्यूरल आर्टरी, क्या बनाएगी ये सुप्रा न्यूरल, सुप्रा न्यूरल आर्टरी का फॉर्मेशन करेगी। अब देखो ये जो विसरल आर्टरी है हिपेटो पैनक्रियाज इंटेस्टाइन में ब्लड की सप्लाई करेगी, ये जो सुप्रा न्यूरल आर्टरी है ये किस में ब्लड सप्लाई करेगी, ये जो नर्व कोड और जो वेंट्रल मसल्स होती हैं, क्या वेंट्रल मसल्स के अंदर ब्लड की सप्लाई करेगी सुप्रा न्यूरल आर्टरी, और ये टेल्सन भाग तक प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब देखो ये एंटीरियर एरोटा है ये आगे की तरफ मतलब डोर्सली लेटरल साइड में बढ़ी है आगे, नीचे वेंट्रल साइड में इलोंगेटेड हुई और किसका निर्माण कर लिया, विसरल आर्टरी। और ये विसरल आर्टरी हिपेटो पैनक्रियाज और इंटेस्टाइन में ब्लड की सप्लाई करेगी। अब देखो ये जो है ईसोफेगस, मैंने अभी बताया ईसोफेगस के चारों तरफ एक सर्किल का निर्माण करेगी, और ये सर्किल है नीचे दोनों दो आर्टरी निकलेंगी, दोनों ईसोफेगस के चारों तरफ एक सर्किल का निर्माण करेंगी। सर्किल का निर्माण करके नीचे से ये दोनों आर्टरी कनेक्टेड हो जाएंगी और सुप्रा न्यूरल आर्टरी का फॉर्मेशन करेंगी। ये जो सुप्रा न्यूरल आर्टरी है नर्व कोड और वेंट्रल जो मसल्स होती है उनके अंदर ब्लड की सप्लाई करेगा। अब देखो ये जो है ये अभी मैंने बताया जो ईसोफेगस के चारों तरफ सर्किल का निर्माण करेंगी, सर्किल का ऊपर की तरफ सर्किल का निर्माण करेंगी तो क्या बनेंगी, एक सर्किल बनाएंगी तो ऊपर की तरफ एक चैम्बर का निर्माण करेंगी। उस चैम्बर को क्या बोलेंगे, देखो सिफेलिक चैम्बर, उसको क्या बोलेंगे, सेफेलिक चैम्बर बोलेंगे। इस सेफेलिक चैम्बर से एक आर्टरी निकलेंगी, उसको क्या बोलेंगे, सेफेलिक आर्टरी। फिर इस सेफेलिक चैम्बर से और आर्टरी निकलेंगी जो कहाँ पे जाएंगी, सेरिब्रल आर्टरी निकलेंगी। अब देखो आगे वाला भाग है कैलिसेरिया, मैंने अपेंडिजेस पढ़ाई थी तब आपको बताया था कि इसके अंदर अपेंडिजेज होते हैं कैलिसेरिया, पेडीपल्प और वॉकिंग लेग, वन पैर इसके अंदर कैलिसेरिया होती है। तो ये जो आर्टरी है ये आगे की तरफ किस में ब्लड की सप्लाई करेगी, कैलिसेरिया के अंदर, कैलिसेरिया अपेंडिजेज है उसके अंदर ब्लड की सप्लाई करेगी। अब देखो आगे की तरफ ये पेडीपल्प, ये एक आर्टरी किस में जाएगी, पेडीपल्प में जाएगी, वन पैरो पेडीपल्प, इसके अंदर अपेंडिजेज होते हैं, उसके अंदर पेडीपल्प अपेंडिजेज के अंदर ब्लड की सप्लाई करेगी ये आर्टरी। ठीक है,
अब देखो इसके अंदर फोर पैर वॉकिंग लेग होती हैं, फोर पैर वॉकिंग लेग होती हैं, तो आगे की तरफ ये फोर भागों में डिवाइड होकर ये किस में जाएगी, वॉकिंग लेग में ब्लड की सप्लाई करेगी, ठीक है। ये जो एंटीरियर एरोटा है ये तीन भागों में डिवाइड हुई है, एक तो क्या है विसरल आर्टरी, दूसरी क्या है सुप्रा न्यूरल आर्टरी, और तीसरी ये है आगे वाले भाग सिफेलिक चैम्बर में सिफेलिक आर्टरी है। जो आगे वाले भाग है जो अपेंडेजेज है उनमें ब्लड की सप्लाई करेगी। सिक्स अपेंडेजेज होती हैं, सिक्स भागों में डिवाइड होकर ये सिक्स अपेंडेजेज को ब्लड की सप्लाई करेगी, सिक्स आर्टरी निकल के सिक्स अपेंडेजेज में ब्लड की सप्लाई करेगी, ठीक है। ये तो हो गया देखो एंटीरियर एरोटा। अब देखो अपन पढ़ेंगे आर्टरी का ही टाइप है। जो आर्टरी होती है वो तीन टाइप की होती है, एक तो है जो आगे जो हेड के आगे से निकलती है एंटीरियर भाग से वो तो एंटीरियर एरोटा, जो पोस्टीरियर वाले भाग से निकलती है वो क्या है पोस्टीरियर एरोटा, और जो लेटरल साइड में जो हेड है उसके दोनों तरफ लेटरल साइड में जो आर्टरी निकलेंगी उसको क्या बोलेंगे लेटरल सिस्टमेटिक आर्टरीज। तीन टाइप्स की आर्टरी होती है, तो हमने फर्स्ट टाइप की आर्टरी पढ़ ली है एंटीरियर एरोटा। एंटीरियर एरोटा कहाँ कितने भागों में डिवाइड हुई है, कहाँ कहाँ इसने ब्लड की सप्लाई की है, ये अपन ने पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे पोस्टीरियर एरोटा, सेकंड पढ़ेंगे अपन पोस्टीरियर एरोटा, ठीक है। सेकंड है पोस्टीरियर पोस्टीरियर एरोटा। अब देखो ये जो पोस्टीरियर एरोटा है ये हैट है, इसके पोस्टीरियर पार्ट की तरफ जो एक आर्टरी निकलेगी और ये कहाँ पे जाएगी इसके टेलसन वाले भाग तक इसमें इसका जो टर्मिनेट होता है पोस्टीरियर एरोटा का जो टर्मिनेट पॉइंट है वो है इसका पॉइजन वाला भाग है, टेलसन वाला भाग है, इसमें जाके टर्मिनेट हो जाएगी, है ना, इसका एंडिंग हो जाएगी यहाँ पे जाके। और ये इसके पीछे वाला भाग है जो इसका मेटासोम वाला भाग है या पोस्ट अब्डोमिनल वाला भाग है उसके पूरे के अंदर ये ब्लड की सप्लाई करेगी पोस्टीरियर एरोटा। पोस्टीरियर एरोटा प्रत्येक सेगमेंट ये जो मेटासोमा वाला भाग है पोस्ट अब्डोमिनल वाला भाग है इसके अंदर सेगमेंटेड बॉडी होती है, इसकी प्रत्येक सेगमेंट के अंदर ये जो आर्टरी होती है आगे जाके ब्रांच में डिवाइड हो जाएगी और ये ब्रांच होती है इसकी सेगमेंट को ब्लड की सप्लाई करेंगी, ठीक है। अब देखो ये पोस्टीरियर एरोटा के बाद में अपन पढ़ेंगे सिस्टमेटिक एरोटा, थर्ड है इसके अंदर सिस्टमेटिक एरोटा, लेटरल सिस्टमेटिक एरोटा थर्ड है इसके अंदर लेटरल सिस्टमेटिक लेटरल सिस्टमेटिक एरोटा। लेटरल सिस्टमेटिक एरोटा देखो क्या करेगी, हेड के मैंने अभी बताया हेड के दोनों तरफ जो सेवन सेगमेंट होते हैं हेड के दोनों तरफ लेटरल साइड में ये जो लेटरल सिस्टमेटिक आर्टरीज हैं ये निकलेंगी और ये कहाँ पे ब्लड सप्लाई करेंगी, ये जो प्री अब्डोमिनल वाला भाग है प्री अब्डोमिनल वाले भाग पूरे भाग में ब्लड की सप्लाई करेंगी लेटरल सिस्टमेटिक आर्टरी, प्री अब्डोमिनल वाले भाग में ब्लड की सप्लाई करेंगी लेटरल सिस्टमेटिक आर्टरी, ठीक है। ये हो गई अपनी आर्टरी, हो गई आर्टरी के बाद में अपना कौन सा भाग आएगा सर्कुलेटरी सिस्टम का, आर्टरी के बाद में आएगा साइनस। अब देखो ये जो साइनस है फोर्थ वाला भाग था अपना साइनस, ये जो साइनस है देखो ये जो आर्टरी थी जो हार्ट के विभिन्न भागों से पोस्टीरियर लेटरल एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल साइड में जो आर्टरी निकली थी वो इसकी बॉडी है इसके विभिन्न भागों में ब्लड की सप्लाई करने के बाद में ये जो आर्टरीज हैं ये अनेक ब्रांच में डिवाइड हो गई और ये ब्रांच मिलके आगे सब ब्रांच में डिवाइड हो गई और ये सब ब्रांच अपना जो ब्लड है वो किस में डालेंगी लेक्युली में, तो ये जो सब ब्रांच है लेक्युली में कन्वर्ट अपना जो ब्लड है लेक्युली में डालेंगी लेक्युनी, किस में डालेंगे ब्लड लेक्यूनी में, और ये लेक्यूनी फिर आगे चलकर अपना ब्लड किस में ट्रांसफर करेंगी साइनस में, ब्लड साइनस के अंदर, ठीक है। ये जो लेक्यूनी है अपना जो ब्लड है वो किस में डालेंगी साइनस में, यानी ब्लड साइनस के अंदर ये अपने ब्लड को ट्रांसफर करेंगी। अब देखो ये जो ब्लड साइनस होता है वो कितने प्रकार का होता है यानी कितने टाइप्स का होता है वो अपन देखते हैं।
देखो साइनस होता है वो फर्स्ट होता है इसके अंदर, फर्स्ट साइनस होता है, फर्स्ट होता है इसके अंदर डोर्सल साइनस, सेकंड होता है इसके अंदर वेंट्रल साइनस, फर्स्ट है डोर्सल साइनस, सेकंड है वेंट्रल साइनस, थर्ड है इसके अंदर लेटरल साइनस, ठीक है, फोर्थ है इसके अंदर पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल साइनस, ठीक है, फिफ्थ है इसके अंदर पेरी पेरिविसरल साइनस। तो देखो ये जो साइनस है कितने भागों में डिवाइड हो गया, ये पांच भागों में डिवाइड हो गया, ये जो साइनस है पांच भागों में डिवाइड हो गया, फर्स्ट है डोर्सल साइनस, सेकंड है वेंट्रल साइनस, थर्ड है लेटरल साइनस, फोर्थ है पेरिकार्डियल साइनस और फिफ्थ है पेरिविसरल साइनस। जो डोर्सल साइनस है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है अपन देखते हैं, डोर्सल साइनस कहाँ पे पाया जाता है, इसकी पोजीशन कहाँ पे है। डोर्सल साइनस है जो पेरिकार्डियल है, पेरिकार्डियम है अपना, इसका जो पेरिकार्डियम है पेरिकार्डियम के डोर्सल साइड की तरफ ये डोर्सल साइनस प्रेजेंट होता है, पेरिकार्डियम के डोर्सल साइड की तरफ ये डोर्सल साइनस प्रेजेंट होता है, और ये डोर्सल साइनस डोर्सल इसकी बॉडी की जो स्कॉर्पियो है इसकी बॉडी की डोर्सल डोर्सल साइड की डोर्सल बॉडी की जो सरफेस है, डोर्सल बॉडी में जो ब्लड है उस कलेक्ट करता है, डोर्सल साइड की बॉडी की ब्लड कलेक्शन का काम डोर्सल साइनस करता है। अब देखो ये जो डोर्सल साइनस है ये लेटरल साइनस के थ्रू वेंट्रल साइनस से कनेक्टेड रहता है, क्या रहता है, लेटरल साइनस के थ्रू वेंट्रल साइनस से कनेक्टेड रहता है। ये जो वेंट्रल डोर्सल साइनस पेरिकार्डियम के डोर्सल साइड की तरफ ये प्रेजेंट होता है और बॉडी के डोर्सल पार्ट में डोर्सल साइड में ब्लड को कलेक्ट करता है। अब देखो ये और ये क्या लेटरल साइनस के थ्रू वेंट्रल साइनस में अपना जो ब्लड है उसमें कनेक्टेड रहता है, वेंट्रल डोर्सल साइनस लेटरल साइनस के थ्रू वेंट्रल साइनस से कनेक्टेड रहता है, अपना जो ब्लड है वो ट्रांसफर करता है वेंट्रल साइनस में, ठीक है। अब देखो वेंट्रल साइनस, वेंट्रल साइनस कहाँ पाया जाता है, बॉडी के इसकी बॉडी के जो वेंट्रल भाग है, वेंट्रल भाग पूरी पूरी बॉडी के जो वेंट्रल भाग है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वेंट्रल साइनस प्रेजेंट होता है, जो वेंट्रल बॉडी के वेंट्रल साइड की तरफ ब्लड को कलेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। और ये जो वेंट्रल साइनस है डाइवर्टिकुलम के द्वारा बुक लंग से कनेक्टेड रहता है। अब बुक लंग क्या होती हैं, बुक लंग देखो देखो बच्चों बुक लंग होती हैं वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं जिसके अंदर रेस्पिरेशन की क्रिया की जाती है। जो स्कॉर्पियन है उसके अंदर रेस्पिरेशन की क्रिया बुक लंग के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो ये जो वेंट्रल साइनस है इसके अंदर जो ब्लड है वो डाइवर्टिकुलम के द्वारा कहाँ पे, किसके द्वारा, डाइवर्टिकुलम के थ्रू कहाँ पे, बुक लंग में जाता है। ये जो इसके अंदर जो ब्लड था वेंट्रल साइनस के अंदर जो ब्लड था वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वो इसके बॉडी के विभिन्न भागों से आया हुआ ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, मतलब उसके अंदर जो ऑक्सीजन की अधिकता उसके अंदर मैक्सिमम थी, वो नहीं सॉरी उसके अंदर CO2 की अधिकता थी, वो ज़्यादा थी, CO2 की अधिकता थी उस ब्लड के अंदर, उसलिए उस ब्लड को क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वेंट्रल साइनस के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो डाइवर्टिकुलम के द्वारा कहां पे पहुंचा, बुक लंग में पहुंचा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन था ना बुक लंग, बुक लंग में ट्रांसफर हुआ। बुक लंग में क्या हो गया, बुक लंग में लेमिली पाई जाती हैं और जो क्या करती हैं ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज करती हैं। ब्लड डीऑक्सीजनेट था बुक लंग के द्वारा किसमें चेंज हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेंस में जाता है और पल्मोनरी वेंस कहाँ पे पहुँचेंगे, पेरिकार्डियल साइनस में, ये बाद में पढ़ेंगे। पेरिकार्डियल साइनस से ब्लड किस में पहुँचेगा, हर्ट में, हर्ट से फिर आगे पूरी बॉडी को ये जो एरोटा है इनमें सब पूरी बॉडी में सप्लाई होगी ब्लड की, ठीक है। अब देखो वेंट्रल साइनस हो गया अपना, अब देखो लेटरल साइनस,
जो पेरिकार्डियम वाला भाग है हेड के दोनों साइड में जो लेटरल साइनस होता है वो प्रेजेंट होता है, और वो किससे कनेक्टेड होता है, वेंट्रल साइनस में। और जो अपना ब्लड है वो किस में डालता है, वेंट्रल साइड में। और ये इसमें ब्लड कहाँ कौन कौन से भागों का ब्लड कलेक्ट, इसकी बॉडी होती है इसके लेटरल साइड में, जो लेटरल साइड को जो भाग है ऑर्गन है उससे वो जो ब्लड कलेक्ट करता है वो लेटरल साइनस ब्लड कलेक्ट करता है वहाँ से। और ये किससे कनेक्टेड रहता है, वेंट्रल साइनस से कनेक्टेड रहता है। तो देखो जो डोर्सल साइनस था वो भी लेटरल साइनस के थ्रू वेंट्रल साइनस से कनेक्टेड था, और जो लेटरल साइनस है वो भी क्या है, वेंट्रल साइनस से कनेक्टेड है। तो डोर्सल साइनस के अंदर जो ब्लड था वो भी किस में ट्रांसफर होगा, वेंट्रल साइनस में, और लेटरल साइनस में जो ब्लड था वो भी किस में कनेक्टेड, वो भी किस में ट्रांसफर होगा, वेंट्रल साइनस में ट्रांसफर होगा। अब देखो लेटरल साइनस हो गया, अब है पेरिकार्डियल साइनस। हेड के चारों ओर एक कैविटी, हेड एक कैविटी में पाया जाता है, उस कैविटी को बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। उस कैविटी को पेरिकार्डियल साइनस भी बोल सकते हैं। उसके अंदर ब्लड भरा रहता है, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो पल्मोनरी वेंस के द्वारा लाया जाता है, ठीक है। तो वो जो होता है ब्लड होता है वो पेरिकार्डियल साइनस के अंदर ब्लड होता है, ठीक है। ये हो गया पेरिकार्डियल साइनस। अब देखो पेरिविसरल साइनस, पेरिविसरल साइनस कहाँ होता है, जो एलिमेंट्री केनाल होती है उसको घेरे हुए जो पेरिविसरल साइनस होता है, इसके अंदर ब्लड कहाँ से आता है, बॉडी के विसरल ऑर्गन की ऑर्गन से इसके अंदर विसरल पेरिविसरल साइनस के अंदर ब्लड आता है। बहुत सारे बॉडी विसरल जो ऑर्गन है उसमें लेक्युली पाई जाती हैं, लेक्युली के थ्रू बहुत सारी लेक्युली मिलके किसका निर्माण कर लेती हैं, पेरिविसरल साइनस का निर्माण कर लेती हैं, ठीक है। इस तरीके से ये पाँच प्रकार के साइनस इसके अंदर प्रेजेंट हो गए। अब देखो ये इसके अंदर साइनस पढ़ लिए, अपन देखेंगे अब वेन के बारे में, ठीक है। इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कितने भागों में, पांच भागों में डिवाइड था ना, अपन ने चार भाग पढ़ लिए। कौन कौन से पढ़ लिए, चार भाग कौन कौन से पढ़ लिए अपन ने, इसके हेड पढ़ लिया, पेरिकार्डियम पढ़ लिया, इसकी आर्टरी पढ़ ली, इसके साइनस पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे, वेन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वेन, पांचों भाग था इसका, वेन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर देखो वेन के रूप में पल्मोनरी वेन पाई जाती हैं, क्या पल्मोनरी वेन पाई जाती हैं। पल्मोनरी वेन देखो जो बुक लंग है, रेस्पिरेटरी स्कॉर्पियन का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या है, बुक लंग है। बुक लंग संख्या में कितने होते हैं, फोर पेयर होते हैं, चार जोड़ी बुक लंग पाए जाते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में स्कॉर्पियन के अंदर। अब देखो प्रत्येक बुक लंग से एक पल्मोनरी वेन निकलेगी, प्रत्येक बुकलंग से एक पल्मोनरी वेन निकलेगी, तो क्या होगी, वो बुकलंग कितने थे, फोर पेयर, तो फोर पेयर ही क्या होंगी, पल्मोनरी वेन होंगी। और ये जो पल्मोनरी वेन होंगी इसके अंदर ब्लड कौन सा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, क्यों, क्योंकि बुक लंग के द्वारा जो CO2 और CO2 का ट्रांसफर हुआ था ना वो बुक लंग में हो गया। अब बुक लंग के आगे जो ब्लड, बुक लंग ऑक्सीजनेटेड कर दिया ब्लड को, अब ऑक्सीजनेटेड करके किस में डालेगा, पल्मोनरी वेन में डालेगा। और ये जो पल्मोनरी वेन होती हैं ये फोर पेयर होती हैं, और ये कहाँ, ये अपना ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ डालेंगी, पेरिकार्डियल साइनस के अंदर। जो हेड के चारों तरफ जो कैविटी पाई जाती है उसको पेरिकार्डियल साइनस भी बोलते हैं। उसमें ये जो पल्मोनरी वेन है अपना ब्लड कहाँ पे डालेंगी, पेरिकार्डियल साइनस के द्वारा, पेरिकार्डियल साइनस में अपना ब्लड डालेंगी, ठीक है। फिर वो ब्लड है पेरिकार्डियल साइनस में लिंगामेंट्स, हेड और पेरिकार्डियम दोनों लिंगामेंट्स के द्वारा जुड़े होते हैं। लिंगामेंट्स में कॉन्ट्रैक्शन की क्रिया होगी तो क्या होगा, ओस्टिया के अंदर जो वॉल होते हैं वो ओपन होंगे तो क्या, पेरिकार्डियल साइनस के थ्रू ब्लड किस में जाएगा, हेड में जाएगा, और हेड में ब्लड जाएगा उसके बाद में जो ओस्टिया के जो वॉल होते हैं वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ताकि उसका जो ट्रांसफर हुआ है ब्लड वो वापस पेरिकार्डियल साइनस में ना जा सके। इसलिए फिर हेड की वॉल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, हेड की वॉल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, हेड की वॉल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हेड से क्या जुड़ी हुई है, एरोटा जुड़ी हुई है, एंटीरियर एरोटा, पोस्टीरियर एरोटा, लेटरल सिस्टमेटिक आर्टरीज, इन आर्टरी में ब्लड कॉन्ट्रैक्शन की क्रिया होगी हेड में, तो इन आर्टरी में ब्लड सप्लाई होगी, ब्लड जाएगा इसके अंदर, और इनमें ब्लड जाएगा तो बॉडी के पूरे भाग में इसमें ब्लड जाएगा, ठीक है। अब देखो पूरे बॉडी के भाग, इसकी पूरी बॉडी में ब्लड जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका ब्लड का मार्ग क्या होगा, कोर्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन स्कॉर्पियो के अंदर।
अब ये देखो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे, थोड़ा सा कट करना पड़ेगा, रुको। देखो अब ये अपन ने सर्कुलेशन पढ़ लिया, इसकी आर्टरी वेंस और इसके साइनस के अंदर ब्लड कहाँ पे घूमता है, थोड़ा इसका फ्लो चार्ट कर लेते हैं, फ्लो चार्ट के रूप में इसको देख लेते हैं, इसके अंदर ब्लड कहाँ से होकर गुजरता है। अब ये देखो इसका फ्लो चार्ट है, इसके अंदर देखो सबसे पहले हर्ट है, कोर्स ऑफ ब्लड, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, मतलब ब्लड के सर्कुलेशन का मार्ग, ब्लड कहाँ कहाँ पे होके बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन तक जाता है, एक फ्लो चार्ट के रूप में अपन देख लेते हैं इसको, ठीक है। देखो हर्ट है, ये हर्ट था, हर्ट में कॉन्ट्रेक्शन की क्रिया हुई, कॉन्ट्रेक्शन की क्रिया होगी तो हर्ट में ओस्टिया है वो बंद हो जाएंगे, ये ओस्टिया है हर्ट के लेटरल साइड, डोर्सल लेटरल साइड में ओस्टिया प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर वॉल प्रेजेंट होते हैं और इसके अंदर ये जो पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम साइनस मैंने बताया था, पेरिकार्डियम साइनस के अंदर जो ब्लड आएगा वो ओस्टिया के थ्रू किस में आएगा, हर्ट में आएगा। अब हर्ट में कॉन्ट्रेक्शन की क्रिया होगी, कॉन्ट्रेक्शन की क्रिया होने के बाद में जो आर्टरीज होती हैं, जैसे एंटीरियर एरोटा है, पोस्टीरियर एरोटा है, लेटरल सिस्टमेटिक आर्टरीज हैं, इन आर्टरी के अंदर ब्लड जाएगा, ठीक है, ब्लड जाएगा तो ब्लड वहाँ पर कहाँ जाएगा, ब्लड जाएगा वहाँ पर तो वो किसके आर्टरी लास्ट में ब्रांच होगी, सब ब्रांच होगी किस में बना लेंगी, ब्लड लेक्युली का फॉर्मेशन कर लेगी, है ना, ब्लड लेक्युली इन विस्त्रा, कि ब्लड लेक्युली का फॉर्मेशन कर लेंगी और ये जो ब्लड लेक्युली है वो किस में खुलेंगी, डोर मतलब साइनस बताए थे, डोर्सल लेटरल, डोर्सल साइनस, लेटरल साइनस और पेरिविसरल साइनस, ये साइनस बताई थी, ये जो लेक्युली है वो किस में खुलेंगी, डोर्सल साइनस में, लेटरल साइनस में और पेरिविसरल साइनस में, ठीक है। ये जो डोर्सल साइनस, लेटरल साइनस और पेरिविसरल साइनस है वो किस में खुलेगा, वेंट्रल साइनस में खुलेगा, वेंट्रल साइनस है वो ट्रांसफर किस में करेगा, ब्लड का ट्रांसफर डाइवर्टिकुलम के थ्रू, किसके थ्रू, डाइवर्टिकुलम के थ्रू, डाइवर्टिकुलम के थ्रू ब्लड किस में डालेगा, बुक लंग में डालेगा। इसमें क्या है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था जो बुक लंग में, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है बुक लंग, उसमें ये डाइवर्टिकुलम के थ्रू किस में ब्लड डालेगा, बुक लंग में डालेगा। बुक लंग में ब्लड डीऑक्सीजनेटेड था, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, अब ये बुक लंग की अपना जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब इसके अंदर पल्मोनरी वेन में डालेगा, फिर ये पल्मोनरी वेन किस में डालेंगी, पेरिकार्डियम साइनस के अंदर डालेंगी, पेरिकार्डियम साइनस फिर ओस्टिया के थ्रू फिर से हेड में डालेगा, हेड की जो वॉल होती है उसमें कॉन्ट्रेक्शन होगा, फिर वापस से आर्टरी में जाएगा और इसकी बॉडी, पूरे बॉडी में ब्लड की सप्लाई होगी। इस प्रकार स्कॉर्पियन के अंदर पूरी बॉडी के अंदर ब्लड की सप्लाई होती है। अब देखो थोड़ा सा इसका ब्लड के बारे में देख लेते हैं कि इसके अंदर ब्लड कैसा होता है। फ्लो चार्ट वीडियो को पॉज करके फ्लो चार्ट भी बना लेना और डायग्राम भी बना लेना, ठीक है। अब देखो ये जो है इसमें ब्लड की बात कर रहे थे, ये जो स्कॉर्पियन है इसके ब्लड को क्या बोलते हैं, इसके ब्लड को हीमोलिम्फ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ, इसके ब्लड को हीमोलिम्फ भी बोलते हैं। नॉन न्यूक्लिएटेड ल्यूकोसाइट सेल्स पाई जाती हैं इसकी ब्लड के अंदर, और जो इसमें रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन क्या होता है इसके अंदर, हीमोसाइनिन, क्या होता है, हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन इसके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट के रूप में हीमोसाइनिन होता है, और ये हीमोसाइनिन होता है इसके ब्लड के प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व होता है, ब्लड के प्लाज्मा में डिजोल्व होता है हीमोसाइनिन, जो क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। हीमोसाइनिन होता है उसके अंदर जो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के बाद में उसका कलर ब्लूइश हो जाता है, कौन सा कलर हो जाता है, ब्लूइश कलर का हो जाता है, वो जो ब्लड होता है वो ब्लूइश कलर का हो जाता है, किसके कौन से, ब्लूइश कलर का, यानी नीले कलर का हो जाता है ना, क्यों हो जाता है, क्योंकि ये जो हीमोसाइनिन है, ये हीमोसाइनिन है इसके अंदर एक मेटल पाया जाता है, कौन सा मेटल, कॉपर, कॉपर मेटल पाया जाता है, इस कॉपर मेटल की वजह से ये इसका ब्लड का जो ब्लूइश कलर हुआ है, इस कॉपर मेटल की वजह, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसका कलर हो जाता है ब्लूइश कलर का हो जाता है, जो किसके कारण होता है,
इसके अंदर एक मेटल पाया जाए तो उस कॉपर, इस कॉपर के कारण इसका कलर होता है ब्लूइश कलर का हो जाता है। ये था इसका ब्लड, ठीक है। तो ये अपना जो स्कॉर्पियन के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ स्कॉर्पियन है कंप्लीट होता है।